नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। सीधे आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कविंदर गुप्ता के नेतृत्व में ये प्रदर्शन, और देखिए किस तरह से हल्लेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है और तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी। तो आपको जानकार दे दें कि आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवकों ने पूर्व उपायुक्त के बाहर सरकारी बंगलों के अवैध कब्जे से बीजेपी के पूर्व विधायकों, मंत्रियों को बेदखल करने की मांग कर रहे हैं। और इस मांग को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन के और बड़ी बड़ी जो शख्सियत हैं, उनकी मौजूदगी में ये हल्ला बोल सड़क पर, ये हल्ला बोल अपनी मांग को लेकर है। बीजेपी के पूर्व विधायकों मंत्रियों को बेदखल करने की मांग की जा रही है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी, और तमाम जो लोग हैं उन्हें कंट्रोल किए जाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। देखिए जिस तरह से तमाम लोग वहां पर मौजूदगी है, आपके संघ सेवकों ने पूर्व उपायुक्त के बाहर सरकारी बंगलों के अवैध कब्जे से बीजेपी के पूर्व विधायकों मंत्रियों को बेदखल करने की ये मांग की जा रही है। तो सरकारी बंगलों के अवैध कब्जे को लेकर ये मामला जब सामने आया, तब से ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो आवाज़ है आज बड़े स्तर पर हल्ला बोल के नजर में आ रही है, और तमाम जो लोग हैं अपनी मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। बीजेपी ने इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर टैक्स की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर टैक्स है। आम बुनियादी खाने पीने की जो चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स है, जिंदगी की जरूरत चीजों के ऊपर टैक्स है। टैक्स पेयर मनी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लूटा गया है, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी मकानों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। देखिए ये मैं देख रहा हूँ किस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय है। बीजेपी के इन नेताओं को नोटिस दिए गए थे कि ये बंगले खाली करें, क्योंकि गैर कानूनी कब्जा है इनका। और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये कब्जा जो सरकारी बंगलों के ऊपर इनका है वो गैर कानूनी है। लेकिन ये ना तो कानून की परवाह करते हैं ना हाई कोर्ट की परवाह करते हैं, क्योंकि सैया बने थानेदार अब डर काहे का। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और बीजेपी वालों को खुली छूट दे रखी है, लूट खुचन काट दिया जाता है, उसके ऊपर पिन इलेक्शन होता है, पावर थेफ्ट के केसेस उनके ऊपर बनते हैं। लेकिन ये लोग सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, 20-25 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया इन बंगलों का बिजली का जो बिल है इन्होंने नहीं अदा किया है। और जिस तरीके से ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द इन बंगलों से बाहर निकाल, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये निकला है नोटिस कविंदर गुप्ता जी के नाम पे 22 दिसंबर 2018 को कि आप इस बंगले में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। 4 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया। उसके बाद ये देखिए सुनील शर्मा दूसरे मंत्री जी हैं, उनको भी नोटिस गया कि आप गैर एमएलए, इनको भी नोटिस गया, इन्होंने भी नहीं खाली किया। दिलीप सिंह परिहार है और ये शेख जब्बार हैं, और इसी तरीके से बाली भगत हैं, इन सबको 21 दिसंबर 2018 का नोटिस गया है। और जब हमने ये बात उस वक्त उठाई थी, उस वक्त ये कहा गया था चार गुना इनका जो है इनसे लिया जाएगा।
20-20 लाख रुपया इनको देना है बिजली का, 20 लाख 62 हजार रुपया बिजली के बदले ₹2,76,21,21 लाख आम लोगों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन बीजेपी के लोगों लोगों को क्या लगता है जम्मू कश्मीर कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लूट खुशम इस रियासत के अफसरों को बंदी बनाया हुआ है या मिले भगत के साथ उनके साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी के आप सब नेता यहाँ पे पहुँचे, यानी आज क्वार्टर खाली करवाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि खाली करवाएंगे क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं और बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी, प्रदर्शन और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों और मंत्रियों को लेकर। उनका कहना है कि सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जा किया गया है और इसे जल्द से जल्द खाली कराए जाने की मांग तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं, और जिस तरह से कब्जा किया गया है उसको लेकर अपनी आवाज़ तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर उठा रहे हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो भीड़ है उसे कंट्रोल किए जाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम लोगों की मौजूदगी और ये जो लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर रहे हैं, सरकार को लेकर कर रहे हैं, और इनकी एक मांग है केवल कि जिस तरह से सरकारी बंगलों पर, सरकारी संपत्ति पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों और मंत्रियों का कब्जा है उसे जल्द से जल्द खाली किया जाना चाहिए। कई दौर के जो नोटिस हैं वो भी दिए गए, इसके बावजूद भी जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बंगला, सरकारी बंगला खाली नहीं किया।